लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है और सीधे चलेंगे अमित चौधरी के पास कन्नौज में। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या लग रहा है लोगों को देख के अभी, क्योंकि लगभग आधा घंटा हो गया है? शिखा, जो बिल्कुल शिखा, तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो उत्साह है वो वोटर्स में काफ़ी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं आधे घंटे के आसपास का वक्त हुआ है, लगातार जो वोटर्स हैं पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं। जो कतारें हैं वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटर्स के अंदर जो उत्साह है वो खासा उत्साह। और यहाँ पर डिम्पल यादव की अगर बात की जाए तो पूर्व सांसद भी हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ ये माना जाता है। कुछ वोटर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं आप? जी, विकास को लेकर। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? पिछले 5 साल में कुछ खास विकास नहीं हुआ, योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पर टक्कर की बात करें तो किसके किसके बीच में टक्कर है चुनाव में? नहीं, बीजेपी और गठबंधन वाले में ही टक्कर है और विशेष किसी में टक्कर नहीं है, बाकी तो सब बेकार है। क्या 5 साल में कितना बदला आपका कन्नौज? ज़्यादा तो नहीं बदला, विकास के नाम पर। अच्छा, आप बताइए रोजगार और शिक्षा की बात की जाए तो 5 साल में कितना बदलाव आया, किस आधार पर आप अपना नेता चुन रहे हैं? मैं बेरोजगार और उसको देख के शिक्षा का जो योगदान है इस 5 साल में, और जो हमारे देश में जो असुरक्षा का माहौल था उसको देखते हुए मैं इसमें वोट अपना डालूंगा। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन हुआ है, कौन जीतेगा यहाँ से? डिम्पल। क्या वजह है उनके जीतने की? उन्होंने कन्नौज में काफ़ी विकास कराया है। आपको क्या लगता है किस आधार पर वोट डाल रहे हैं? डिम्पल को डाल रहे हैं, उन्हें विकास कराया जाना पहले 5 साल में। कन्नौज के उद्योग की बात करें, रोजगार की बात करें तो किस तरीके का है और पिछले 5 साल में कितना बदलाव आया, अब किस सोच को लेकर आप अपना नेता चुन रहे हैं? कन्नौज में ज़्यादातर आलू किसानों की खेती है और उसकी वजह से कुछ सालों से पीछे आलू भी बहुत नुकसान हुआ है किसानों का, और इस सरकार ने मतलब सिर्फ जितना बड़ा बिजनेसमैन है उसी को फ़ायदा पहुंचा है, उसके बाद में किसी को हमें नहीं लगता है कि अभी तक फ़ायदा पहुंचा, सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ पेपरों में वर्क चलता है, उसके बाद में फिर बस न्यूज़ पे आ जाता है, उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं होता, ना किसानों का कोई सपोर्ट हुआ, बेचारा किसान मर रहा है हर तरीके से। बताइए कितनी योजनाओं का फायदा हुआ, योजनाओं का कितना फ़ायदा हुआ, जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही पिछले 5 साल में कितना फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं फ़ायदा हो गया। कन्नौज में जो योजनाएं हैं वो सारी बंद पड़ी हैं, आलू मंडी ठटिया में वो बंद कर दी गई है इस सरकार में, और क्या नाम है परफ्यूम पार्क उसका भी काम बंद कर दिया गया है, विकास कार्य कोई हो नहीं रहा, जो विकास कार्य के लिए योजनाएं आई थी पिछली गवर्नमेंट में वो भी बंद कर दी गई हैं। यही है रोजगार का क्या स्तर है बताइए? रोजगार तो मिल ही नहीं रहा, पहली बात रोजगार मिल नहीं रहा, मजदूर आदमी क्या करेगा। ये वोटर्स हैं, अगर कन्नौज की बात करें तो यहाँ के वोटर्स हैं जिनसे हमने बात की, सबके अलग अलग अपने मुद्दे हैं और पिछले 5 साल के अगर बदलाव की बात की जाए तो पिछले 5 साल में जो बदलाव है उसको लेकर खासे जो संतुष्ट हैं वो नहीं दिख रहे हैं। अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही है ये सीट, यहाँ से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव लगातार चुनाव जीते हैं और जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ एक वोटर्स में नाराज़गी ज़रूर है कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं पूर्व में लागू की गई थी वो इस क्षेत्र को नहीं मिली है। यहाँ की अगर किसानों की बात की जाए तो आलू की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, दूसरे उद्योग की बात की जाए तो परफ्यूम का उद्योग यहाँ पर, एक परफ्यूम पार्क बनाने की बात पिछली सरकार के दौरान अखिलेश यादव की सरकार के दौरान की गई थी, लेकिन वो परफ्यूम पार्क को लेकर जो लोगों का कहना है कि उसका काम बंद पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आलू की मंडी को लेकर भी मंडी का काम रोक दिया गया है, तो उत्साह जरूर वोटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन एक नाराजगी जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है।